हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज लेकर आई हूँ क्लास थर्ड के लिए हिंदी ग्रामर, इसकी वर्कशीट तैयार की है मैंने। कुछ टॉपिक लिए हैं जो आपको बच्चों को किस तरह से समझाने हैं वो आज मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक लिया है मैंने संज्ञा यानी नाउन। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी किसी व्यक्ति का, व्यक्तियों को प्राणी भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो व्यक्तियों के नाम में राम, राधा, मीना या पापा, दादा, किसी का भी नाम आ जाए वो व्यक्तियों में आएगा। वस्तुओं में यानी चीजों के नाम, थिंग्स, किताब, गेंद, कलम, पेंसिल, है ना, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, उनके नाम आएंगे। स्थानों के नाम, स्थान में जो भी जगह होती है, दिल्ली, जयपुर, आगरा, या स्कूल, पार्क, मंदिर, चिड़ियाघर, तो ये सी जो चीजें, जो जगहों के नाम होते हैं वो स्थानों में आएंगे। भावों के नाम, भाव यानी फीलिंग, जो आप महसूस करते हो, बचपन, खुशी, उदास, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन इसमें देखिए और भी चीज आप बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं कि पशुओं के नाम आ जाए, फलों के नाम आ जाए, नदियों के नाम आ जाए या खाने वाली चीजों के नाम आ जाए, वो भी संज्ञा कहलाते हैं। तो चलिए वर्कशीट देख लेते हैं। संज्ञा शब्द पर गोला लगाइए। रीमा खाना खा रही है, तो रीमा, रीमा एक संज्ञा है, व्यक्ति का नाम है, तो रीमा पे हम सर्कल लगाएंगे। रमेश पतंग उड़ा रहा है, तो रमेश तो व्यक्ति हो गया, ये भी संज्ञा है। पतंग वस्तु हो गया, ये भी संज्ञा है। राधा नाच रही है, तो राधा नाम है, ये संज्ञा हो गया। राम के पास पुस्तक है, राम व्यक्ति का नाम है, ये भी संज्ञा है। पुस्तक, पुस्तक वस्तु है, ये भी संज्ञा है। ताजमहल आगरा में है। अब देखिए दिए गए शब्दों में से व्यक्ति, वस्तु, स्थानों को छांट कर लिखना है। तो आपको प्राणी, वस्तु, स्थान, अब ये जो शब्द दिए गए हैं जो मैंने इसमें से आपको सर्कल करके बताया है, यहीं पर आपको छांट कर बताना है। तो प्राणी यानी व्यक्ति, तो इसमें देखिए रीमा आएगा, सेकंड में रमेश है, रमेश भी प्राणी है, व्यक्ति है, उसके बाद है राधा और राम। अब देखिए हमने रीमा, रमेश, राधा और राम, इसमें से हमने संज्ञा शब्द के व्यक्ति, प्राणी, उनका नाम लिख दिया है। अब आता है वस्तु, तो वस्तु में क्या है? फर्स्ट में कुछ नहीं है, सेकंड में है पतंग, उसके बाद है पुस्तक, ठीक है, और स्थान में आता है ताजमहल और आगरा। इस तरह से आप बच्चों को समझा सकते हैं कि इसमें से आपने जब छांट लिए कि संज्ञा क्या क्या है, उसमें से आप बच्चों को बोलिए आप इसमें मुझे ना व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम भी अलग अलग करके बता सकते हैं। इसके बाद आता है सही शब्द लिखकर वाक्यों को पूरा करिए। राम ने आज पहना है, तो क्या पहना है? कुर्ता। बच्चे में खेल रहे हैं, बगीचे। तालाब में के फूल खिले हैं, कमल। मेज पर रखी है किताब। बच्चे से खेल रहे हैं, गेंद। तो इस तरह संज्ञा शब्द बच्चों को फिल करना है। इसके बाद देखिए दो दो नाम लिखिए, दो व्यक्तियों के नाम, तो जो भी आपके आसपास रहता है, रमेश है या आपके जो फ्रेंड का नाम है, तो आप वो भी लिख सकते हो। दो स्थानों के नाम, तो आप लिख दीजिए जयपुर, बगीचा, जो भी स्थान है। दो वस्तुओं के नाम,
कार लिख दो, पेंसिल लिख दो, दो नदियों के नाम गंगा यमुना, दो फूलों के नाम गुलाब कमल। तो इस तरह से भी आप बच्चों से लिखवा सकते हैं। याद है, निम्न शब्दों में से संज्ञा शब्दों को पहचान कर गोला करो। अब देखिए, राजू बड़ा, हाथी सुंदर, तो राजू किसी का नाम है, ये संज्ञा है, बड़ा नहीं है। हाथी, हाथी एनिमल का नाम है, तो ये भी संज्ञा है। इसके बाद मोटा, ये नहीं है, गंगा नदी का नाम है। पिता, पिता यानी फादर, आप पापा बोलते हो या पिता बोलते हो, तो ये भी संज्ञा में आएगा। हंसना, ये नहीं है। स्कूल, स्कूल भी संज्ञा है, स्थान का नाम है। चलना, हरा, ये नहीं है। आलू, आलू सब्जी का नाम है, तो ये भी आएगा। गर्भ, ये नहीं आएगा। रोटी, खाने वाली वस्तु का नाम है। मीना, व्यक्ति का नाम है, गर्ल का। पढ़ना, ये नहीं है। आलू, दोबारा ये आलू आ गया, ये भी आएगा। ताजमहल, ये भी आएगा। उड़ना और खेलना, ये नहीं है। तो इस तरह से आप बच्चों से सर्कल करवाइए संज्ञा शब्दों पर। तो अब देखिए, मैंने आपको संज्ञा समझा दिया बच्चों को, आपने बच्चों को समझ में आ गया कि संज्ञा क्या होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का नाम या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो लेकिन जब आपने बच्चों को संज्ञा पढ़ाया, नाउन समझाया, आप उसके जस्ट बाद बच्चों को सर्वनाम, प्रोनाउन, ये समझा देंगे, तो बच्चे बहुत इजी तरीके से समझ जाएंगे। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इसमें किसी का नाम नहीं आता, किसी जगह का नाम नहीं आता, लेकिन उसकी जगह हम, मैं, हम, तुम, वह, आप, इन शब्दों का यूज करते हैं। उन्होंने, उसने, तुमने, है ना, ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है, उन्हें कहते हैं सर्वनाम। तो वो संज्ञा की जगह आते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, लेकिन हम बोलेंगे वह अच्छा लड़का है, हमने राम की जगह वह यूज कर लिया, तो उसे बोलेंगे सर्वनाम। अब देखिए, सर्वनाम शब्दों पर गोला करिए। राम नाम है, मैं, ये सर्वनाम है। घर, ये नहीं आएगा। वह, ये सर्वनाम है। रात, नहीं। तुम, किताब। यह, वे, खाना, नहीं। तुम्हारा, गेंद। उसे, कप, नहीं। उन्हें, आप, ये सर्वनाम शब्द हो जाते हैं। अब देखिए, सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। आपको इसमें से सर्वनाम शब्द छांटने हैं। वह गौरव का घर है, तो वह। मुझे भूख लगी है, मुझे, इसमें किसी का नाम नहीं आ रहा बच्चों, उसकी जगह सर्वनाम यूज हो रहे हैं। उसकी तबीयत खराब है, उसकी, हम यहां लिख सकते हैं कि गौरव की तबीयत खराब है या राम की तबीयत खराब है, तो वो संज्ञा हो जाएगा, लेकिन हमने यूज किया उसकी तबीयत खराब है, तो उसकी सर्वनाम है। तुम्हारा नाम क्या है? मैं घर जा रहा हूं। वे दोनों खेल रहे हैं। अगर हम बोल दें राम और श्याम खेल रहे हैं, तो राम और श्याम दोनों संज्ञा हो गए, लेकिन हमने क्या बोला? वे खेल रहे हैं, यानी वो सर्वनाम है। सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाओ। अब बच्चों को इस तरह से सर्वनाम शब्द दिए जाते हैं और उनसे बच्चों को छोटे छोटे वाक्य बनाने होते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं स्कूल जा रहा हूं। वह मेरा भाई है। आप
आप कहाँ रहते हैं? अब आप आया तो हैं पे बिंदी लगानी है आपको, क्योंकि रेस्पेक्ट देने के लिए बिंदी लगाई जाती है, डॉट लगाई जाती है। हम घूमने जा रहे हैं, जब प्लूरल होगा बिंदी जरूर लगेगी, तो हम। सही सर्वनाम चुनकर लिखिए। मेरी पेंसिल है, यह मेरी पेंसिल है, ये मेरी पेंसिल है, इसमें सही शब्द आएगा यह। यहां आओ, हम यहां आओ या तुम यहां आओ? तुम यहां आओ। नाम क्या है, तुम्हारा या तुम्हें? तुम्हारा। आज मैच है, आज मेरा मैच है। घर बहुत सुंदर है, उसका घर बहुत सुंदर है। तो इस तरह से सही सर्वनाम शब्द चुनकर बच्चों से लिखवा सकते हैं। के बाद आता है सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए। अब आपको इसमें से सर्वनाम बताना है। घर, पेड़, गेंद, तुम। तो बाकी सब सर्वनाम, बाकी सब संज्ञा है, लेकिन तुम सर्वनाम है। बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं अगर आप संज्ञा के बाद सर्वनाम को पढ़ाते हो। जूते, फूल, पेन, ये संज्ञा है लेकिन आप सर्वनाम है। रुमाल, रवि, कार, संज्ञा है लेकिन यह सर्वनाम है। बगीचा, तुम्हारा, घास, सड़क, तुम्हारा। देखिए आप इस तरह से बच्चों को सेंटेंस दे सकते हैं, या बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बच्चों की जो पुरानी बुक्स होती हैं उनमें से बोलिए कि चलिए आज मुझे आप संज्ञा ढूंढकर बताओ। एक पेज दे दो कि आज मुझे संज्ञा ढूंढ के बताइए, ये सर्कल करके बताइए, या सर्वनाम पे सर्कल करिए, तो बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग से मजे मजे में ही काम कर लेंगे। तो चलिए मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, उसमें हमको सर्वनाम शब्दों पर गोला करना है। तो रमन मेरा मित्र है, रमन संज्ञा है। मेरा मित्र है, वह बहुत अच्छा लड़का है। वह रोज पढ़ाई करता है। मुझे उसके साथ खेलना पसंद है। उसका घर बहुत बड़ा है। उसे खाना बहुत पसंद है। और मेरा हम भूल गए तो मेरा भी होगा, तो रमन मेरा मित्र है, ठीक है। तो मेरा, वह, मुझे, उसका, उसे, तो ये सब सर्वनाम है। इस तरह से आप बच्चों को कराइए। देखिए आज हमने दो टॉपिक लिए हैं, संज्ञा और सर्वनाम। तो इस तरह से आप बच्चों को पढ़ाएंगे ना, संज्ञा के बाद में आप सर्वनाम सिखाएंगे, तो बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं और समझ भी जाते हैं। हम पहले सर्वनाम संज्ञा पढ़ा ली और हमने दो चार टॉपिक पढ़ाने के बाद सर्वनाम पढ़ाया, फिर बच्चों को रिलेट करना एक दूसरे से बहुत मुश्किल हो जाता है। संज्ञा सर्वनाम बच्चों को सिखाइए, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करवाइए, ज्यादा हो तो वर्कशीट बना लीजिए, बच्चों से फिल करवाइए, सर्कल करवाइए, तो देखिए बच्चे कितना अच्छे से जल्दी सीख जाते हैं। तो आज हमने हिंदी ग्रामर की वर्कशीट ली है क्लास थर्ड की, आप सेकंड में भी पढ़ा सकते हैं बच्चों को। फर्स्ट में थोड़ा इजी रहता है, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनमें बच्चों की ग्रामर एक जैसी हो जाती है। तो इस तरह से बच्चों को सिखाएंगे, बच्चे इजी तरीके से सीख जाएंगे, समझ भी जाएंगे और बच्चों को समझने में आसानी होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको इसी तरह से वीडियो मिलती रहेगी, और भी कोई टॉपिक हो या आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके देन, थैंक यू, बाय।